माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक इसके खिलाफ कानून बने ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहां बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। क्या कभी भी इतने सुधार हुए, बदलते हुए समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया, ये दुनिया पूरी तरह जानती है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी, हम ये मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका अब समय तय करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएफ पेंशन योजना, हमें मालूम है कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया बेटा, किसी को पेंशन 7 रुपये मिल रही थी, किसी को 25 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 250 रुपये, ये देश में चलता था। मैंने कहा भाई इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से बाहर ला करके मिनिमम 1000 रुपीज देने का निर्णय हमने किया था, किसी ने मांगा नहीं। मुझे किसी भी किसान संगठन ने इस देश के छोटे किसान को कुछ सम्मान पैसे मिले इसकी व्यवस्था किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत उनको हमने धन सामने से देना शुरू किया। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी आधुनिक समाज के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है। हमने देखा है जिस प्रकार से उस कालखंड में विरोध होता था, लेकिन राजा राममोहन राय जी जैसे महापुरुष, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जैसे महापुरुष, ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष, बाबा साहब अम्बेडकर, कितने अनगिनत नाम हैं, उन्होंने समाज के सामने उल्टे प्रवाह में सामने होकर के समाज सुधार का बीड़ा उठाया था, व्यवस्थाएं बदलने के लिए बीड़ा उठाया। अब कभी ने तो किसी ने जिम्मेवारियां लेनी होती है। हाँ, ऐसी चीजों का शुरू में विरोध होता है, जब बात सत्य पहुंचता है तो लोग इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कोई भी निर्णय 100% सबको स्वीकार्य होता संभव ही नहीं हो सकता है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है, किसी एक जगह पे वो बहुत लाभ करता होगा, किसी जगह पे कम लाभ करता होगा, किसी जगह पे शायद जो पहले के लाभ उसको वंचित करता होगा, लेकिन ऐसी तो कितने बड़े देश में व्यवस्था नहीं हो सकती है कि हम उसमें कोई, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट देश में निर्णय जो होते हैं, लार्जर
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय निर्णय होते हैं और उसको लेकर के हम काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये सोच के साथ मेरा विरोध है। जब ये कहा जाता है मांगा था क्या, क्या हम सामंतशाही हैं क्या?